तो है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ आदित्य। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता जावा के अंदर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसे हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी इन इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता जावा के अंदर, एंड देन हम बात करने वाले इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस, उसके अंदर क्या रिलेशनशिप होती है क्लासेस में, वो हम इसके अंदर देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। तो आओ जरा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में क्यों अच्छे नहीं होता। तो अगर आप भूल चुके हो कि इनहेरिटेंस क्या होता है, तो आओ देखते हैं इनहेरिटेंस। तो देखो, क्लास ए यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया, इसके अंदर मैंने मेथड डिक्लेयर कर दी वॉइड शो, ठीक है। ये एक हमारे पास मेथड है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इसी को इनहेरिट करूंगा, ठीक है। इसी क्लास की प्रॉपर्टी को मैं इनहेरिट करूंगा। देखो, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, क्लास बी डिफाइन करूंगा, एक्सटेंड करूंगा। हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करते हैं फॉर टू अचीव द इनहेरिटेंस, ठीक है। मैंने ए क्लास को यहाँ पर इनहेरिट कर लिया है, राइट। देन मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ऐसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसी बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, बी ओ बी जे विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, ठीक है, बी ये, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो पूरी प्रॉपर्टीज थी ए के अंदर, ए क्लास के अंदर, ये पूरी आ जाएगी बी क्लास के अंदर। हम क्या करें, यहाँ पर बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ए के क्लासेस और सॉरी मेथड्स और वेरिएबल्स को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया ओबीजे डॉट शो, शो यहाँ पर कहाँ पर है, वो क्लास ए में है, बट क्लास बी ने क्या एक्सटेंड किया है ए को, इसीलिए ये शो क्या होगा। यहाँ पर अगर मैंने प्रिंट कर दिया प्रिंट वन, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट कर दिया मैंने, तो ये क्या करेगा, वन को यहाँ पर प्रिंट करेगा, राइट। तो ये होता है इनहेरिटेंस, मतलब यहाँ पर क्लास बी के अंदर शो वाली जो मेथड है वो नहीं है, तब भी वो यहाँ पर प्रिंट करेगा, क्योंकि उसने एक्सटेंड किया है ए क्लास को, मतलब ए क्लास की पूरी यहाँ पर जो मेथड्स है वो सब कुछ यहाँ पर बी क्लास की तरफ आ चुके हैं, राइट। तो ये होता है शॉर्ट में हमारा इनहेरिटेंस। तो अब बात करते हैं यार कि जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं होता। पिछले वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन से होते हैं, मतलब मल्टीपल टाइप्स देखे थे, मल्टीपल नहीं देखे थे, एका था, ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स देखते थे, तो आज हम देखने वाले मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर क्लास ए को बना यहाँ पर आपके सामने, ठीक है, मैंने वही मैं आपको मेथड क्रिएट करके दिखाता हूँ, शो वाली, ठीक है, शो वाली यहाँ पर जो मेथड है, ठीक है। अगर मैंने बोला आपको कि मेरे पास दो क्लासेस हैं, ठीक है, दो यहाँ पर क्लासेस है सेम नाम की, ठीक है, यहाँ पर मेथड जो इसके अंदर है वो सेम है, ठीक है, और ये जो तीसरी क्लास है वो एक्सटेंड कर रही है इन दोनों को, ठीक है, क्लास सी एक्सटेंड्स ए बी, राइट। मतलब ये क्या हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। यहाँ पर इस दो पेरेंट है, एक चाइल्ड है, ये वाले, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कॉल करूंगा इसी को, मतलब सी का ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा, क्योंकि इसकी पूरी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ चुकी है, तो सिर्फ सी का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा यहाँ पर, सी ओ बी जे इक्वल टू न्यू सी, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर मैंने यहाँ पर ओ बी जे डॉट शो को कॉल किया, ठीक है, यहाँ पर मैंने शो को कॉल किया, तो ये किस शो को कॉल करेगा, ये वाली कि ये वाली। तो कंपाइलर यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि इसको कौन से शो को यहाँ पर क्या करना है, कॉल करना है, ये वाली या फिर ये वाली। तो इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस यहाँ पर हम अचीव नहीं कर सकते जावा के अंदर, ठीक है। तो ये होता है बेसिक रीज़न बिहाइंड दैट कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों अचीव नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात हुई पूरी मल्टीपल इनहेरिटेंस की। तो अब देखते हैं यार रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं। अपन ने देखा था कि इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक रिलेशनशिप ही होती है, इज अ, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो मैंने अभी बोला आपको कि इज अ क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लासेस विच इज अचीव बाय द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में मैंने क्या किया था, क्लासेस को मैंने क्या किया था, इनहेरिट किया था। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्लास ए, वही यार उसको मिटाना ही चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर क्लास
पी एक्सटेंड्स ए और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। बी का ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ न्यू बी और ओबीजे के माध्यम से मैं यहाँ पर शो को कॉल करने वाला हूँ। ठीक है ओके डन। ठीक है तो यहाँ पर क्या किया मैंने ए की पूरी प्रॉपर्टी को बी को दे दिया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ टाइटली कपल हो गया। टाइटली कपल मतलब क्या होता है जो जितने भी यहाँ पर ए की प्रॉपर्टी होगी जितने भी ए की प्रॉपर्टी होगी वो सारी अब आ चुकी है बी के अंदर। तो मैंने बाय चांस अगर ए में कुछ भी चेंज किया तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा बी के अंदर। ठीक है पूरा का पूरा ऐसा कि ऐसे सख्त मैंने बी पर डाल दिया है तो इसके अंदर मैंने पूरा गड़बड़ कर दिया कुछ तो पूरा बाकी का सिस्टम भी बिगड़ जाएगा बी के अंदर का। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनहेरिटेंस अचीव करता है टाइट कपल को, टाइटली कपल यहाँ पर बॉन्डिंग रहती है। ठीक है तो ये अचीव करता है इज इज क्या है इज यहाँ पर क्या है वो होता है रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। तो इनहेरिटेंस अपने को कौन सी देता है अचीव करके देता है रिलेशनशिप वो होता है इज। तो बाय द वे रिलेशनशिप के दो टाइप्स होते हैं यहाँ पर एक होता है इज एंड सेकंड होता है हमारा हैज। ठीक है ये दो टाइप के रिलेशनशिप होते हैं यहाँ पर एक होता है इज एक होता है हैज। तो इज तो हमने देख लिया इज क्या होता है इनहेरिटेंस के माध्यम से हम इसको अचीव करते हैं राइट। बट अब देखते हैं कि मैंने जैसे आपको बोला था कि टाइटली कपल लूजली कपल, तो यहाँ पर फिर से देखते हैं एक बार टाइटली कपल होता क्या है। टाइटली कपल मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोड है पूरा, उस कोड को मैंने क्या कर दिया इस क्लास के अंदर जो कोड है वो पूरा मैंने दे दिया बी को। ठीक है ए को ए ने बोला कि भाई बी तू एक काम कर पूरा मेरा कोड ले ले जो भी मेरा पास है वो सब कुछ ले ले उसके ऊपर ट्रस्ट करेगा। ठीक है ट्रस्ट करेगा मेनली, तो अगर ये पूरी डॉक्यूमेंट सही है तो उसके ऊपर मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देगा और अपना काम शुरू कर देगा। बट बाय चांस इसमें कुछ गड़बड़ हो गई इसमें कुछ चेंज करना पड़ा तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बिगड़ जाएगा। तो मतलब ये बहुत टाइटली कपल है थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो यहाँ पर गए काम से बी वाला। ठीक है तो ये होता है इज जो कि प्रोवाइड करता है हमें इज रिटर्न्स। बट अब बात करते हैंज हैज हमें कौन प्रोवाइड करता है, तो हैज हमें प्रोवाइड करता है एसोसिएशन रिलेशनशिप। ठीक है एसोसिएशन रिलेशनशिप तो इसके भी फर्दर दो पार्ट रहते हैं इसके अंदर आता है एक होता है एग्रीगेशन एक होता है कंपोजिशन। क्या होता है कंपोजिशन, तो ये पूरा क्या अचीव करके देता है हमें हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है ये हमें हैज अ रिलेशनशिप को देता है। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अगर देखिए तो यहाँ पर वीक बॉन्ड रहता है। यहाँ पर आप खाली नोट करके लेना इसको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है हम कोड भी इसे देखने वाले ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड राइट। तो यहाँ पर मैंने बोला आपको कि ये वीक बॉन्ड है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब देखते हैं एसोसिएशन क्या होता है। ठीक है एसोसिएशन मतलब क्या हैज अ, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी क्लास ए है मेरे पास। ठीक है क्लास ए के अंदर मैंने क्या कर दिया स्ट्रिंग ए इंट बी। ठीक है मतलब यानी मैंने क्या बोला यहाँ पर ए हैज अ क्या है ए स्ट्रिंग मतलब ये वेरिएबल है। ठीक है ए हैज अ बी वेरिएबल, तो यहाँ पर क्या हुआ लूजली कपल मतलब इसने क्या बोला कि ए के पास ए है एंड बी भी है कोई डिपेंड नहीं है। ठीक है तो यहाँ पर देखो ये लूजली कपल अपने को देता है जबकि मैंने बोला आपको कि इनहेरिटेंस में क्या होता है टाइटली कपल होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। ठीक है तो बस आप नोट करके रखना यहाँ पर कि एसोसिएशन में देता है लूजली कपल विच इज हैज अ रिलेशनशिप। ठीक है तो यहाँ पर हम अचीव कर रहे हैंज अ रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ दिस वेरिएबल्स। तो क्लास ए के पास ये वेरिएबल है हैज अ ठीक है ये एक टाइप हुआ हैज अ रिलेशनशिप को अचीव करने का। अब सेकंड वाला देखते हैं सेकंड हम कैसे अचीव कर सकते हैं इसको। ठीक है तो विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे। ठीक है मेरे पास ये क्लास था ए वाला इससे हम क्या करते थे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे राइट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करते थे। तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होता था कि जो भी हमें रिक्वायर मेथड से उसको हम क्या करते थे एक्वायर करते थे या तो फिर हम उसको ग्रैब करते थे उसको हम
ले सकते थे, राइट। जो भी हमें इसेंशियल जो मेथड्स थी हम उसको ही ले रहे थे, पूरी को नहीं ले रहे थे। अगर मेरे पास क्लास, जैसे कि हमने, मैंने बोला आपको कि मैंने क्लास बी को, क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, बी का ऑब्जेक्ट बनाया, तो यहाँ पर क्लास बी के अंदर क्या है, प्राइवेट मेथड से, क्या है, प्राइवेट मेथड से, तो इसको तो हम अचीव नहीं कर सकते, इसको तो हम ऑब्जेक्ट के अंदर ले नहीं सकते। तो जो भी हमें काम की चीज़ें वही हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से यहाँ पर ले रहे हैं, राइट। तो इसलिए क्या हुआ, जो भी काम की थी उसी को लिया, से पूरे को नहीं लिया। बट इनहेरिटेंस में क्या होता है, जैसे इज के अंदर, इसमें क्या होता है, जो भी पूरा है काम की हो या फिर आपकी काम की नहीं हो, तब भी आप क्या कर रहे हो, सभी चीज़ों को ले रहे हो इसके अंदर, एंड यहाँ पर क्या कर देते उसको अपने मेथड, अपने क्लास के अंदर उसको यूज़ कर रहे थे। बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि जो भी आपकी काम की चीज़ है उसी को आप इस्तेमाल करते हो, राइट। तो इसीलिए ये भी हमें क्या देता है, लूजली कपल्ड। थोड़ा बहुत आपको क्लियर होता होगा यहाँ पर लूजली कपल्ड टाइटली कपल्ड क्या होता है, कि अगर मेरे पास दो कोड है, ये ए वाला कोड बी वाले कोड के ऊपर डिपेंड है, यहाँ पर मेरे पास ए का कोड है बी का कोड है, ठीक है, ये अगर बी वाला कोड पूरा ही डिपेंड है ए के ऊपर तो वो हुआ टाइटली कपल्ड। अगर ए वाला जो कोड है उसके ऊपर बी वाला जो कोड है वो पार्शियली डिपेंडेंट है, पार्शियली डिपेंडेंट है, तब हम बोले उसको लूजली कपल्ड, राइट। तो लूजली कपल हम कैसे अचीव कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू कीवर्ड से, मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, नहीं तो फिर हमने बोला अभी कि क्लास में जो भी वेरिएबल्स रहते हैं उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हैज़ अ रिलेशनशिप को अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप की रिलेशनशिप थी। तो अब मैंने बोला आपको कि एग्रीगेशन और कंपोजिशन इसके अंदर क्या फ़र्क होता है, एक हमें देता है स्ट्रांग बॉन्ड, एक देता है हमें वीक बॉन्ड। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कार के पास क्या है, म्यूजिक प्लेयर भी है, म्यूजिक प्लेयर भी है, और कार के पास इंजन भी है, राइट, इंजन भी है म्यूजिक प्लेयर भी है। तो कार हैज़ अ म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। तो इसने कौन सी अचीव की यहाँ पर रिलेशनशिप, हैज़ अ वाली, विच इज एसोसिएशन, और कार हैज़ अ इंजन एज वेल, ठीक है, इंजन भी होता है कार के पास। तो अब मुझे बोलो कि अगर कार के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं है तब भी कार चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो ऑब्वियस की बात है यार चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, चलना तो पड़ेगा उसको, राइट, म्यूजिक प्लेयर उसके पास हो या फिर नहीं हो, तो मतलब ये क्या हुआ, वीक बॉन्ड, सही है ना, वीक बॉन्ड हुआ ये। बट अगर कार के पास इंजन ही नहीं है तो कार चलेगी, नहीं यार वो तो चलेगी नहीं, मतलब कार के पास इंजन होना जरूरी है, तो ये क्या हुआ, स्ट्रांग बॉन्ड। अब ये तो क्लियर हो चुका होगा, तो वही मैंने बोला वीक बॉन्ड जब भी होगा तब हम क्या बोलेंगे, कंपोजिशन का यहाँ पर बॉन्ड है, कंपोजिशन रिलेशनशिप यहाँ पर हो गई है, विच इज़ अ हैज़ अ रिलेशनशिप। और यहाँ पर अगर वीक बॉन्ड है तो हम क्या, सॉरी, हाँ वीक बॉन्ड है तब हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेशन का यहाँ पर बॉन्डिंग हुई है, विच इज़ अ हैज़ अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हैज़ अ रिलेशनशिप है, और वीक बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड मतलब क्या है, एग्रीगेशन कंपोजिशन। इसको जरा नोट कर लेना इस क्वेश्चन के साथ, इस एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर यार, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट होगा आपका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल देना मेरे को, मैं आपका सॉल्व करने का जरूर ट्राई करूंगा, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि ऐसे फर्दर और वीडियोज आप पर आने वाले हैं। इसका जो कोर सेक्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाय बाय।